देखिए अब वहां से प्रेम के थ्री पर रिएक्शन आ गया जहां से किसी ने आने की उम्मीद भी नहीं की थी। जी हां, अनन्या पांडे की ओर से जिन्होंने कुछ उटपटांग बातें बोल दी हैं प्रेम गीत के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं आखिर माजरा क्या है। देखिए पहले शुरुआत में प्रेम गीत थ्री का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं। भैया फिल्म सुपर हिट हो गई है नेपाल में, वहाँ प्रेम गीत नेपाल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। जी हाँ, नेपाल में कबड्डी 4 नाम का एक फिल्म है, उसने पूरी दुनिया में 22 करोड़ कमाया था जो वहाँ के हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। मगर चिंता की अब कोई जरूरत नहीं है, प्रेम गीत 3 का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5वां दिन का बाहर आ चुका है जिसमें बताया गया फिल्म ने 15 करोड़ कमाई कर लिया पूरी दुनिया में, जिसमें से हिंदी बैंड से भी हुआ 6 करोड़ कलेक्शन। अब जल्दी प्रेम गीत 3 भी कबड्डी 4 के पीछे करके नेपाल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन जाएगी, जो सच में काफी बड़ी बात है। खैर चलिए बातें मुद्दे पे। देखिए बॉलीवुड की अनन्या पांडे वो एक्ट्रेस है जिनके एक्टिंग का टैलेंट आज तक लोग जरा भी एंटरटेन नहीं कर पाया है। और आप यह भी सोचते होंगे इतने ज्यादा फ्लॉप देने के बाद भी अनन्या पांडे काफी पॉपुलर कैसे रहती है और इनको हर दम बड़ी बजट की बॉलीवुड फिल्में ऑफर होते क्यों रहते हैं। तो मेरे भाई वो इसलिए वो मीडिया में हरदम ताजा पर रहने के लिए कुछ आलतू फालतू स्टेटमेंट जरूर देते रहती है, इस वक्त कुछ दिन और सुर्खियों में बनी रहे। और इस बार इन्होंने मीडिया अपना इमेज चमकाने के लिए इंडो नेपाली फिल्म प्रेम गीत 3 को टारगेट किया है। देखिए इन्होंने रिसेंटली मीडिया से इंटरव्यू के दौरान ये स्टेटमेंट दे दिया है। पता नहीं आजकल यहाँ के लोग क्या हो गया है, कहीं भी कुछ भी देखने लगते हैं। बॉलीवुड में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनती है तो वे बॉयकट मारते हैं, और वही कोई लो बजट की नेपाली फिल्म के लिए उनका प्यार मर रहा है, जो कि फिल्म एक दिन में थिएटर में चलने के लायक नहीं है, उससे ये लोग कई दिनों से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन दिए जा रहे हैं। देखिए मैंने कहा था ना बॉलीवुड वालों को भूत जलने वाली है जब जब ये लोग प्रेम गीत 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे, और भाई इनका जलना भी जायज है। जहां इनकी बॉलीवुड को फिल्म 100-200 करोड़ की बजट वाली बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन फ्लॉप हो जाती है, और वही एक नेपाली फिल्म प्रेम गीत 3 जो बनी है मात्र 5 करोड़ में वही कई दिनों से थिएटर पर राज कर रही है और आगे भी कुछ दिनों तक करती रहेगी। खैर दोस्तों, आपको अगले साल एक और अनन्या पांडे का फ्लॉप देखने का मौका मिलेगा। जी हाँ, आयुष्मान खुराना के साथ ड्रीम गर्ल 2 बनाने जा रही है। पता नहीं भाई आयुष्मान खुराना क्यों मान गए इनके साथ काम करने के लिए। भाई जो इंडियन जनता आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर को जरा भी नेगेटिव बातें नहीं करते हैं, और वे अनन्या पांडे के कारण उनकी ड्रीम गर्ल 2 भी बॉयकट होगी। अब भगवान ने बचाए आयुष्मान साहब की फिल्म को। बाकी दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक आप सभी को अलविदा।